नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ तलक परी। पूरे बिहार में जो पांच प्रमुख खबरें हैं उसको हम आपको दिखाते हैं ताकि ट्रेंडिंग न्यूज आप तक पहुंच पाए। तो देखिए एक रिपोर्ट, बिहार के उन पांच राजनीतिक, आपराधिक और हर क्षेत्र से जुड़ी खबरें सिर्फ पांच मिनट। मोतिहारी में 15 लाख कैश लूट कर भाग रहे दो बदमाशों को बैंक कर्मियों ने पकड़ा, रुपए भरा। महिला सिपाही बनी डीएसपी, एसपी ने किया सम्मानित। ससुराल वालों ने दहेज की खातिर नवविवाहिता की हत्या। लैंड फॉर जॉब स्कैम में सीबीआई के लिए तुरुप का पत्ता साबित हो रहे हैं भोला यादव। ई रिक्शा को चार्ज करते वक्त लगा करंट का झटका, एक पल में गई ड्राइवर की जान। मोतिहारी में गुरुवार की दोपहर पीएनबी बैंक लूटने से वहां के कर्मियों ने बचा लिया। दो बाइक पर सवार छह अपराधी बैंक में घुसे, हथियार के बल पर बैंक लूटा। जैसे ही बाहर निकले बैंक कर्मियों ने अपराधियों का पीछा किया, इनमें दो बदमाशों को पकड़ लिया गया। साथ ही लूटे गए 15 लाख रुपए भी बरामद किए गए। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों ने पकड़ाए हुए लुटेरों की पिटाई कर दी, इसके बाद उन्हें पुलिस को सौंप दिया गया। मामला मोतिहारी के पहाड़पुर थाना क्षेत्र के संढा चौक स्थित पीएनबी बैंक का है। बेगूसराय में कार्यरत एक महिला सिपाही अपने कठिन लगन और मेहनत से डीएसपी बन गई है। सिपाही पद पर अपनी ड्यूटी, बच्ची का लालन पालन, परिवार की जिम्मेवारी और वर्दी की जिम्मेवारी के बीच अपनी मेहनत और जुनून के बल पर सभी बाधाओं को पार कर सिपाही बबली कुमारी ने इतिहास रच दिया है। बेगूसराय जिला बल की सिपाही बबली कुमारी का जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। बबली कुमारी ने तीसरे प्रयास में बीपीएससी क्रैक कर डीएसपी बनने में सफलता पाई है, जो बिहार पुलिस और बेगूसराय पुलिस लाइन के अन्य सिपाहियों और अधिकारियों के लिए भी मिसाल बन गई हैं। बेगूसराय पुलिस और बिहार पुलिस के लिए एक बहुत ही गर्व का दिन है आज। बेगूसराय जिला बल की एक सिपाही बबली कुमारी, जो कि पुलिस लाइन में कोर्ट में मैगजीन ड्यूटी पे तत्परता से कार्यरत थी, उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कंडक्ट किए गए एग्जाम, जिससे कि डीएसपी के रूप में चयनित होते हैं, उस एग्जाम को सक्सेसफुली क्वालिफाई किया है और उनका चयन डीएसपी के रूप में हुआ है। बहुत ही जल्दी वो यहाँ से विरमित होकर राजगीर में जो ट्रेनिंग एकेडमी है वहाँ पे योगदान करने जा रही हैं। इसी सिलसिले में आज मैंने अपने ऑफिस में सिपाही बबली कुमारी को बुलाया था। उनके साथ में उनके 7 महीने का बच्चा भी है और साथ में उनके पति रोहित कुमार भी आए हुए हैं। बबली कुमारी मूल रूप से गया जिले की रहने वाली हैं। ग्रेजुएशन में उन्होंने बीए ऑनर्स की पढ़ाई की है। देखिए, सबसे यहाँ पे बड़ी बात यह है कि पुलिस की नौकरी में, चाहे वो किसी भी जगह पर नौकरी कर रहे हों, 24 घंटे की ड्यूटी होती है। उसके बावजूद भी हमारी होनहार सिपाही बबली कुमारी ने पढ़ाई लिखाई के लिए समय निकाला और अपने सपने को साकार किया और अपने परिवार के सपने को साकार किया। इसमें उनके पिताजी और उनके हस्बैंड का भी बहुत बड़ा योगदान है। और मैं अपने तरफ से, बेगूसराय पुलिस परिवार की तरफ से, सिपाही बबली कुमारी को, उनके पिता को, माता को, भाई बहनों को, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र के पोखनपुर बलवा गांव में दहेज की खातिर नवविवाहिता की हत्या की बात सामने आ रही है। मृतिका बैजू पासवान की पत्नी सरिता कुमारी है। घटना के संदर्भ में पटना जिला निवासी मृतिका के चाचा ने बताया कि उन्हें बुधवार की शाम सूचना मिली कि सरिता कुमारी ने फांसी लगा लिया है। इसके उपरांत वे लोग बेटी के ससुराल पहुंचे, जहां देखा कि घर के बाहर ताला लगा है। आसपास के लोगों ने भी कुछ भी बोलने से परहेज किया। इसके बाद पुलिस की मदद से ताला तोड़कर घर के अंदर गए तो बेटी का शव बेड पर पड़ा हुआ देखा। दो पहिया के खातिर अक्सर दामाद के द्वारा उनकी बेटी के साथ मारपीट की जाती थी। वहीं उन्होंने कहा कि ससुराल वालों ने गला घोटकर हत्या कर दी है, जिसके बाद शव को छोड़कर बाहर से ताला लगाकर फरार हो गए। सीबीआई ने कथित
लैंड फॉर जॉब स्कैम में बिहार समेत देश भर में हुई आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पूर्व ओएसडी भोला यादव की गिरफ्तारी के बाद हुई है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भोला यादव ने न सिर्फ लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं बल्कि उनके राजदार भी माने जाते हैं। भोला यादव की जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के मामले में अहम भूमिका मानी जा रही है। सीबीआई के लिए वही अब ध्रुव का पत्ता साबित हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक रिमांड अवधि में उनसे पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर ही सीबीआई ने यह पूरी कार्रवाई की है। भोला यादव से सीबीआई को कई ऐसे राज पता चले हैं जिससे वह अब तक दूर थी। बिहार के खगड़िया जिले में बुधवार देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। अलौली में ई रिक्शा चार्ज करते वक्त एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ई रिक्शा को चार्ज पर लगाते वक्त वह कटे हुए तार की चपेट में आ गया। स्थानीय लोग उसे अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह घटना खगड़िया जिले के अलौली थाना क्षेत्र के छिलकौड़ी पंचायत अंतर्गत मछरा गाँव की है। मृतक ई रिक्शा चालक का नाम बिहारी राय का बेटा दीपक कुमार बताया जा रहा है। वहीं परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी जिस वजह से वह ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। मिली जानकारी के अनुसार दीपक बुधवार की रात अपने ई रिक्शा को चार्ज पर लगाने गया था, तभी वह बिजली का तार कटा हुआ था। दीपक को इसका अंदाजा नहीं लगा और वह कटे हुए तार की चपेट में आ गया। एक पल में ही उसकी जान चली गई।